दृष्टि देखती है अपने दामाद को आते हुए और अनि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आकर बैठता है अपनी सास के बगल में मुस्कुराते हुए। क्या जो सृष्टि चाहती थी वो अनि कर दिया खुद ब खुद। पर अब कहीं ना कहीं अनि का दोहरा चेहरा दिख तो रहा है आज, जहां रुद्र प्रताप को भी ब्रिजभूषण में एक शैतान नजर आता है। और अब जब ब्रिजभूषण रुद्र प्रताप को घूरते हुए देखता है तो क्या हो गया रुद्र, क्यों घूर रहा, कुछ नया पक रहा है क्या? झनक ब्रिजभूषण जी की बेटी है। और रुद्र प्रताप के मन में वाकई में अब कुछ तो पक रहा है ब्रिजभूषण के खिलाफ। पर अब वेलकम बैक एवरीवन इन द फिनाले ऑफ द स्टार डांसर ऑफ इंडिया। टाइम है जजमेंट का, जजेस अपना फैसला ले चुके हैं, लेकिन जानना ये है कि आगे आखिर कौन जाने वाला है, झनक रैना या प्रतीक्षा सुतार। Queenie ma'am, over to you. Thank you, Ruchita. Well, सच कहूँ, इस मोड़ पर कॉम्पिटिशन इतना टफ हो चुका है कि मेरी लाइफ का अब तक का सबसे मुश्किल डिसीजन बन गया है। Totally agree with you, Queenie. दोनों की परफॉर्मेंस में इतना सा भी फर्क नहीं था, लेकिन क्योंकि अब दोनों में से कोई एक ही फाइनल में जा सकता है तो over to you, Roy. दोनों ही पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इन दोनों कंटेस्टेंट से किसी एक को चुनना, इट इज अ वेरी टफ जॉब। और अब झनक के साथ साथ सभी की बेचैनी बढ़ रही है सुनने के लिए कि कौन है फिनाले में। क्या झनक वहाँ तक पहुँचेगी जो उसकी मंजिल है? मुझे लगता है कि हमें किसी और की भी हेल्प की जरूरत है। आदित्य मी? नो 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 नो, जैसा कि आपने बोला रोहित कि डिसीजन बहुत भारी है। यस yes. मेरा ऐसा मानना है कि इसका फैसला भी बॉस ही लेंगे। बॉस? बॉस? और अब सभी देखते हैं कि ये बॉस आखिर कौन है जिसके हाथों में ये अहम फैसला होगा। और सबका चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये बॉस है कौन जो आज की शाम में लगाएगा चार चांद, जहां आदित्य बड़े खुश होकर मुड़कर स्वागत करता है और कोई नहीं बल्कि कुमार सानू का, जो है बॉलीवुड के सबसे उम्दा प्लेबैक सिंगर। और सभी खड़े होते हैं उनके स्वागत में, आज वो पधारे हैं उनके बीच। और झनक की खुशी की तो क्या कहना, वो तो कुमार सानू को देखकर पागल सी हो जाती है। और वहीं अनि सृष्टि अर्शी और बाकी सभी खड़े होते हैं कुमार सानू के स्वागत में। वो इतने बड़े हस्ती जो हैं, आखिर बाजीगर तो वो हैं ही। इन सब के बीच दिलवालों का दिलबर, आखिर दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, तो दिल तो लूटने आएंगे ना इस महफिल में, जहां फिनाले तक का सफर भी तय होगा और स्टार डांसर चुनी जाएगी। और शोर शराबे के बीच कुमार सानू जाते हैं स्टेज पर। Welcome our guest of honor. Let me invite the dancing queen, Trishti Mukherjee. आप स्टेज पर आएं और सर का वेलकम करें। और अब सृष्टि जाती है स्टेज पर उनका स्वागत करने फूलों का बुके से, क्योंकि वो भी तो डांस की दुनिया की बड़ी हस्ती है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओएमजी, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। आई कांट बिलीव इंडियन प्लेबैक सिंगिंग के द एक्चुअल बॉस आज हमारे बीच है।
चलिए ले चलते हैं आज के फिनाले की ओर। लेकिन उससे पहले सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आज आप हमारे विनर का नाम अनाउंस करें। और इसी पल का तो इंतजार है सबको और धड़कने भी तेज है। जहां तालियां थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं नमस्कार दोस्तों, स्टार डांसर ऑफ इंडिया, इंडिया का एक बेहतरीन डांस रियलिटी शो। आज मैं इसलिए यहां पे हूं कि जिस शो में कश्मीर की एक लड़की, बहुत टैलेंटेड लड़की, बहुत खूबसूरत डांसर है, जो फाइनल में पहुंची है, एंड उनका नाम है झनक रैना। सो द विनर इज झनक रैना। और आज झनक को वो मिला है जो उसका सपना है, और वो जाती है उस मंच पर खड़े होने के लिए जिस पर आज खड़े हैं कुमार सानू, सबके चहीते, संगीत की दुनिया की पहचान। पर सृष्टि अनी को ऐसे देखती है जैसे कि उसी ने ये अनाउंस करवाया होगा, पर झनक की खुशी का आज कोई मोल नहीं। आखिरकार वो कर दिखाई सबको कि वो एक विनर है, असल मायने में उसका कोई टक्कर नहीं ले सकता। आज हमने अपने चैलेंजर का नाम जान ही लिया। फिनाले की टक्कर होगी अर्षी मुखर्जी और झनक रैना के बीच। लेकिन उससे पहले सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप झनक की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और अब झनक सुनती है कुमार सानू के मुंह से तारीफ, मतलब उसकी पहचान बन गई है अब। फाटा फाटी। और झनक बेहद खुश है, वो कश्मीरी में जवाब दिए हैं, और कहीं ना कहीं अन्नी भी आज खुश है झनक की जीत के लिए। अर्षी भी कहीं जान चुकी है कि टक्कर का मुकाबला होने वाला है अब झनक के साथ, पर सृष्टि को बर्दाश्त नहीं। झनक, मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, यू आर ए फैंटास्टिक डांसर। थैंक यू सर, आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना कि तुम खाली फीमेल सिंगर के गाने के ऊपर डांस करती हो, मेल सिंगर पे क्यों नहीं? क्यों, हमारे गाने अच्छा नहीं लगता है तुम्हें? क्या कुछ नाराजगी है या एलर्जी है? सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना कि जिस पे परफॉर्म करना है वो गाना मेरे गुरुजी रुद्र प्रताप सिलेक्ट करते हैं और उसी पे मैं परफॉर्म करती हूँ। रुद्र तुम्हारा मेंटर है? रुद्र को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हाँ रुद्र, तुम्हारे कंटेस्टेंट जो है उसको मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स सर, आपको परमिशन की क्या जरूरत है? आज तुमको मेरे गाने पे परफॉर्मेंस करना है। मैं गाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम डांस करोगे, राजी? सर मेरे लिए सौभाग्य होगा। और आज झनक अपने साथ साथ अपने गुरुजी का भी नाम सबके सामने और भी बुलंद कर दी है, और अब कुमार सानू के गाने पर डांस करना है उसे। ये तो झनक को एक तरह से विनर पहले से ही घोषित कर दिया गया है। उसकी चमक अब कहां तक फैली है आज, ये अब किसी को भी बताना जरूरी नहीं। झनक अपने आप में एक स्टार बन चुकी है। पाटापाटी। कॉन्ग्रेचुलेशन झनक, तुम ये नाम, ये रेस्पेक्ट, ये फेम सब डिजर्व करती हो। और अब आगे झनक कैसे थिरकती है कुमार सानू की आवाज पर, देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक लेकर आएंगे झनक की सारी अपडेट्स,
जहां हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले मोड़ में क्या होने वाला है, जहां अनी दस्तक दे चुका है झनक की जिंदगी में और जहां अब अर्शी को करना है मुकाबला झनक के साथ। आगे क्या होगा, क्या सृष्टि और ब्रिजभूषण फिर से खेलेंगे कोई खेल और क्या रुद्र प्रताप अब रहेंगे चुप? देखते रहिए यहीं पर।